30 एवं 31 अक्टूबर को छठ पर्व मनाया जाना है और बहुत बड़ा पर्व है और संगम के तट पर इस समय लाखों की संख्या में महिला श्रद्धालु एकत्र होते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो इस यहाँ संगम तट पर हम लोगों ने जितने भी घाट हैं तो घाट को तैयार करने के लिए जो हमारी पूरी टीम है, चाहे उसमें PWD हो, चाहे जल पुलिस हो, चाहे मेला प्राधिकरण हो, तो सबको अवगत करा दिया है। तो उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। सुरक्षा की दृष्टि से हमने बांस बल्ली की और जेटी की बैरिकेटिंग हम यहाँ पर कराएंगे, फिर गोताखोर और जल पुलिस की पर्याप्त नाव सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर तैनात रहेंगी। व्यवस्थाओं की दृष्टि से देखें तो यहाँ प्रकाश व्यवस्था का कार्य प्रारंभ हो चुका है और ये शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। स्वच्छता के लिए हमने हमारी टीम को बता दिया है, वो आज से अपना कार्य शुरू करके तो स्वच्छता पूरे तरीके सुनिश्चित की जाएगी और जितने भी यहाँ पर शॉप्स हैं वो पूरे तरीके से व्यवस्थित रहे सुनिश्चित किया जाएगा। इस बार चूँकि गंगा जी और यमुना जी का जल स्तर अभी काफ़ी ऊपर है, तो इस दृष्टि से हम लोगों ने घाट क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 20 सेक्टर लगाने के निर्देश दिए हैं। तो कल तक हमारे संवत जितना 1 किलोमीटर का घाट है वो हमारा तैयार हो जाएगा, तो श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त लंबाई में हमारे पास घाट रहेगा। और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी, महिषी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे और महिला पुलिस यहाँ तैनात रहेगी। और जहाँ पर भी हमारे यहाँ पर गहराई है पानी की, तो वहाँ पर हम लोग बैरिकेटिंग करके उसको वहाँ पर श्रद्धालुओं को जाने से स्टॉप भी करेंगे। तो छठ पूजा की जो भी तैयारियाँ हैं और व्यवस्था है, हम उनको अच्छे से सुनिश्चित कराएंगे। संगम तट के अलावा दशाश्वमेध घाट और अरेल घाट पर भी छठ पर्व पे श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती, तो वहाँ पर भी हम लोग सारी व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से जो भी तैयारी करनी है वो पूरे तरीके से सुनिश्चित करेंगे।